और सोचिए देश के प्रधानमंत्री जी ने कहा था, अगर ये सरकार देश के प्रधानमंत्री का नहीं सुन रही तो आखिरकार सरकार किसके लिए काम कर रही है। और इन्वेस्टमेंट तो ये केवल धोखा देना है, ये विदेश जो घूम आए हैं ये केवल घूमने गए थे। और एमओयू कोई ऐसा नहीं है कि इन्वेस्टमेंट आ गया है, और रायवड़ी से बेहतर कौन समझेगा, यहाँ किस जमाने में इन्वेस्टमेंट आया, किस जमाने में कारखाने लगे। आज रायवड़ी के लोगों का ये सवाल होता है ये कारखाने कैसे चलते रहे। इसलिए ये केवल धोखा है, चुनाव 24 का आ गया है, इसलिए जगह जगह ये इन्वेस्टमेंट मीट करेंगे। जो लोग दो सरकारों में न हमारे पुराने कारखाने चला पाए हों, चलते हुए जिनके कारखाने बंद हो गए हों, वो इन्वेस्टमेंट क्या लाएंगे। और अगर इन्वेस्टमेंट लाने की बात है तो ये बताएं कि किस इंडस्ट्रियल पॉलिसी से इन्वेस्टमेंट ला रहे हैं। और अभी तक जो इन्वेस्टमेंट आया है पिछले एमओयू होने साइन हुए थे उसके बाद, कितनी इंडस्ट्री को इन्होंने इंसेंटिव दिए हैं। अगर इंसेंटिव नहीं दिया, बजट से पैसा नहीं दिया, कोई पॉलिसी नहीं थी, इसका मतलब जमीन पर कुछ नहीं उतरा। तो जो सरकार 6 साल में कोई चीज जमीन पर न उतार पाई हो, वो 4 साल में क्या उतार के लाएगी। ये केवल घूमने गए थे विदेश और जनता को धोखा देने के लिए ये निवेश के कार्यक्रम शुरू हुए। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।